والمسلمين والصالحين والأحرار ما رزقنا خطا. उस जुल्म के खिलाफ जो शख्सी राज का जुल्म था उसके खिलाफ उन्होंने सोचा कि भाई क्यों ना हम इसके खिलाफ एक आवाज बुलंद करें, क्योंकि हक और इंसाफ के लिए आवाज बुलंद करना हर इंसान के बस की बात नहीं होती है। उसके लिए अल्लाह ताला गैब से कुछ इंसान पैदा करता है। तो उन्होंने एक जद्दोजहद शुरू की। उन्होंने कहा भाई ये मुल्क जो है, उस वक्त ये मुल्क हुआ करता था जम्मू कश्मीर, आजाद खुद मुख्तियार मुल्क। तो उन्होंने एक आगाज किया जुल्म और सितम के खिलाफ, उसमें वो चल पड़े और कहीं ना कहीं रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ दिलाने में वो कामयाब हो गए। इस तरह से नशीबो फराज होते गए। मैं ज्यादा आज 5 दिसंबर है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक मुबारक दिन है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिन्होंने जन्म दिया उन्हीं का आज जन्मदिन था। उसको लेके आज हमने घूल के हेडक्वार्टर पे उनको खराज तहसीन और खराज अकीदत पेश किया। उसके साथ साथ मैं हमने अपने वर्करों को यही कहा है कि शेख साहब की कुर्बानियों को हमें भूलना नहीं चाहिए। उनकी उन कुर्बानियों को, उनके उन उसूलों को मशाले राह बना के हमें उन पर जो है चलना है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत करना है। और जिस मुश्किलातों से आज जम्मू कश्मीर जो जूझ रहा है उस से बाहर निकालने के लिए हमें हर फर्द ने, हर वोटर ने, हर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सिपाही ने अपना रोल अदा करना है। देखिए जहां तक इस स्टेटमेंट का सवाल है, ये तो काफ़ी हाई लेवल का स्टेटमेंट है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि इलेक्शन को लेके सभी पार्टियाँ जो है मुतहरिक हो गई है। और ख़ासकर मैं यही कहूँगी कि सेंटर को जो है जिस हिसाब से उन्होंने आज से 3-4 महीने पहले जो है ऐलान करना शुरू किया था कि इलेक्शन हम जम्मू कश्मीर के अंदर कराएंगे, क्योंकि 2014 से लेके टिल डेट अभी तक यहाँ पर डेमोक्रेसी बहाल नहीं हो पाई है और आम आदमी जो है वो मुश्किलातों से जूझ रहा है। इलाके की मुश्किल आते हैं जो हैं वो झूके तो हैं, क्योंकि गवर्नर रूल में हर आदमी को जो है इंसाफ नहीं मिल पाता। आती है कि डेमोक्रेसी बहाल हो, क्योंकि डेमोक्रेसी है वाहिद, क्योंकि हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। जब तक डेमोक्रेसी नहीं है तब तक एक आम इंसान अपनी आज़ादी से सांस नहीं ले पाता है। तो इंशाल्लाह हमें भी उम्मीद है कि गवर्नमेंट जल्द अज़ जल्द यहाँ पर इलेक्शन कराएगी, जैसा कि उमर साहब का भी यहाँ पर गूल के अंदर जो है एक बहुत बड़ा जलसा हुआ था। उमर साहब ने भी यहाँ पर यही कहा था कि गवर्नमेंट को कि जल्द अज जल्द जो है इलेक्शन कराए, और हमें भी उम्मीद है कि डिलिमिटेशन के साथ साथ ही जो है इलेक्शन जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर में होंगे। उस्मान कम्युनिकेशन गूल, जहां हर किस्म के इलेक्ट्रॉनिक आइटम मुनासिब कीमतों में दस्तयाब हैं, जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर, मोबाइल फोन, सोलर लाइट, इन्वर्टर बैटरी, एलईडी, राइस कुकर वगैरह। तो देर मत कीजिए, गूल का मशहूर शोरूम उस्मान कम्युनिकेशन, मीन बाजार गूल। अब संगलदान में कॉस्मेटिक की हर आइटम मुनासिब कीमतों में दस्तयाब है। याद रखिए संगलदान का मशहूर शोरूम मनास कॉस्मेटिक संगलदान। This is the Unite News Urdu. I highly recommend you people like whosoever is watching me to follow them. Thank you so much.